भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के साथ ही यह कानून बन गया, लेकिन इसकी धमक पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ जापान में भी दिखाई दी। इस कानून को लेकर हो रहे विरोध का असर भारत जापान समिट पर पड़ा है। यह समिट असम के गुवाहाटी में रविवार को होनी थी, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपना भारत दौरा स्थगित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रविश कुमार ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। प्रवक्ता ने कहा है कि जल्द ही इस समिट के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से नई तिथि निर्धारित की जाएगी। वहीं पहले से ही इस कानून की घोर विरोधी रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गुस्से से भर आई हैं। जापान प्रधानमंत्री का दौरा टलने की खबर सुन ममता ने मोदी सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भारत पर धब्बा बताया है। आपको बता दें कि 3 दिन के इस समिट का आयोजन 15 से 17 दिसंबर के बीच गुवाहाटी में होना था, जिसमें शिंजो आबे और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से धीरे धीरे विरोधियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो इसके विरोध में है ही, अब जापान भी अपने तेवर दिखाने लगा है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। टीम खबर अपडेट।